In your normal conduct, as you're dealing with lot of big corporates, जिनकी merger acquisition की डील्स आप करवा रहे हैं, तो क्लाइंट इंटरेक्शन भी होता है, तो कहीं ना कहीं पर वो इनहिबिशन आता है कि यार मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, या आपको लगता है कि यार एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू कम्युनिकेट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश तो कोई फर्क नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ इशू नहीं। मिक्स वहाँ पे मीटिंग वगैरह में मिक्स लैंग्वेज चलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों चलते हैं। आप जो जिसमें आप सही हो कंफर्टेबल आप वो यूज कर सकते हो, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं। अदरवाइज हम इंग्लिश ही यहाँ पे यूज करते हैं। ग्रेट हिमांशु, सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर टेकिंग ऑफ टाइम फॉर दिस स्पेशल एडिशन वेयर इन वी आर टॉकिंग अबाउट some of our existing students who have been a part of the Wall Street School and they have successfully got placed. So we have Himanshu here, Himanshu Hemant. Himanshu, welcome to this talk and thanks for taking your time. थोड़ा सा बताइए अपने बारे में Himanshu. Hi sir, thank you first of all, thank you. Sir, I have qualified CA in 2022 attempt. After qualifying CA, I have joined ICICI Bank where work I have worked where in 1.2 year. Then I left the job. Then I start a career in investment banking. There is a very big challenging in getting a job in investment banking, then join Wall Street. Here I have done investment banking. थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिमांशु, आप कहाँ से हैं? Okay, so basically I am from Muzaffarpur, Bihar. And currently I residing in Delhi. ठीक है, तो जबलपुर बिहार आपने? मुजफ्फरपुर बिहार सर। ठीक है, तो प्लस टू कहाँ से किया? बिहार किया सर, अपने होम टाउन से। Which year was that? मैंने प्लस टू किया था, 2010 में किया था सर। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया, देन सीएमए ज्वाइन किया। सीएमए जॉब करने के साथ साथ फिर सीएफए क्वालिफाइड किया। देन क्वालिफाई करने के बाद फिर मैंने बैंक में जॉब ज्वाइन किया, एज ए क्रेडिट मैनेजर ज्वाइन किया था। तो नहीं, ग्रेजुएशन व्हिच ईयर डिड यू कंप्लीट? मैंने 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2014 में कंप्लीट किया एंड यू वर इन एट दैट टाइम इन बिहार इटसेल्फ? यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सीए ज्वाइन किया, देन सीए क्लियर किया मई 2022 अटेम्प्ट में। ओके, सो इट टुक यू ऑलमोस्ट 6-7 अटेम्प्ट्स टू कंप्लीट। तो फ्रस्ट्रेशन था, डेस्परेशन था कि यार मेरे से सीए नहीं हो रहे। फ्रस्ट्रेशन तो था ही सर। ठीक है, और जॉब आप कहाँ पे कर रहे थे उस टाइम पर? जॉब मैं सीए फॉर्म में ही बेसिकली वहीं पर था। हां ओके, फिर आपका सीएमए हो चुका था? सीए हो चुका था राइट। सीए होने के बाद फिर मैंने बैंक में जॉब ज्वाइन की। सीए को आपको लगे 7-8 इयर्स टोटल ग्रेजुएशन के बाद? यस यस। ओके, तो इट वाज मोर ऑफ रिलीफ किया, चलो फाइनली सीए हो गया। आपने एक एक करके ग्रुप्स दिए थे या कैसे था? एक एक करके ग्रुप किए। तो उस टाइम पर जब आप सीए कर रहे थे, मतलब डिड यू डू एनीथिंग अलोंगसाइड दैट या यू वर जस्ट अ फुल टाइम स्टूडेंट एट दैट टाइम? नहीं, फुल टाइम स्टूडेंट सर। जॉब के साथ साथ सीए कर रहा था। फाइनल में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। जॉब कंटिन्यू चल रहा था सीए फॉर्म में। और तो सीए इंटर में कितना टाइम लगा आपको? सेकंड अटेम्प्ट में सीए इंटर निकल गया था, फाइनल में लग गया था अटेम्प्ट सर। सेकंड अटेम्प्ट में सीए इंटर निकल गया, फाइनल के दोनों ग्रुप्स अलग-अलग करके दिया आपने? अलग-अलग करके दिया था सर। ठीक है, तो कितना टाइम लगा ओवरऑल सीए फाइनल को आफ्टर योर सीए इंटर? सर 4-5 ईयर लग गए। 4-5 इयर्स। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है यार, इसकी बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में कोर ऑब्जेक्टिव था कि यार चलो आप सीए ही निकालना है कम वक्त में। राइट सर। तो कहीं पर ऐसा वाला फीलिंग आया था कि यार शायद नहीं हो रहा है तो चलो छोड़ देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, अब पता नहीं क्या होगा लाइफ। नो सर, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आया। तो आपने अपना ट्रेनिंग कोचिंग कहाँ से लिया था? मैंने कोचिंग दिल्ली से ही किया था सीए का। ठीक है, तो यू वर इन दिल्ली एट दैट टाइम? राइट सर, एज अ फुल टाइम स्टूडेंट। यस सर, गॉट इट। तो उसके बाद आपके 2021 में आपका सीए कंप्लीट हुआ? यस सर। ठीक है, तो सीए ग्रेजुएशन को सीए लेकर आपका लगा ऑलमोस्ट 8 इयर्स। ठीक है, finally you become a CA. Was it a sense of happiness or was it a sense of relief or both sir? Okay, and how about your parents, matlab they were supportive of you at that time? Yes sir, they are supportive. तो उन्होंने बोला नहीं कि यार अब बहुत हो गया है अब? नहीं वो बोल रहे थे होता है सीएम टाइम लगता है, कोई नहीं देता रहा, हो जाएगा किधर हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। तो चलो सीए मतलब ऑफ कोर्स मतलब वेरी वेरी पावरफुल डिग्री दैट यू हैव एंड जब सीए हुआ उसके बाद आई थिंक द रियल चैलेंज स्टार्ट्स कि चलो अब सीए तो हो गया, एक मंकी ऑफ द बैक, क्योंकि अभी तक तो ये था कि यार सिर्फ फोकस है सीए का एग्जाम निकालने पर है, ठीक है, तो चलो वो हो गया जिसको अपने को 7-8 साल लगे, ठीक है। उसके बाद क्या सीए जैसे ही हमने क्वालिफाई किया, फिर आईसीआईसीआई का कैंपस प्लेसमेंट था, आईसीआईसीआई कैंपस प्लेसमेंट में मैंने गया था, वहाँ पे मुझे 2-3 जगह से कॉल आ गया था। एक तो जन बैंक में मेरा हो गया था, आईसीआईसीआई बैंक में हो गया था, मैंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया एज क्रेडिट मैनेजर। मेरा मेन प्रोग्राम मॉर्गेज था, वहाँ पे काम करने के बाद मुझे लगा यार डेली टू डेली यही रूटीन वर्क है, सेम वर्क करते रहो, आपको कोई फायदा नहीं आ जाए, आप सीए वहाँ पे कोई अपना नॉलेज एक्सपीरियंस वहाँ पे अपना कर नहीं पा रहे हो। देन फिर मेरा ये था कि अब कहाँ रूट करूँ, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेरा वो शुरू से स्टार्टिंग से था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन पता नहीं था कहाँ से स्टार्ट हो, कैसे जॉब कॉल भी नहीं आ रहे थे वहाँ पे आईबी प्रोफाइल वगैरह के लिए। फिर वॉल स्ट्रीट वगैरह के बारे में मैंने ऑनलाइन पता किया, फिर वहाँ पे फिर आपसे मिला, एक बार ऑफिस में भी आपके ऑफिस में आया था, आपसे मिला था, तो आपने सजेस्ट भी किया था कि जॉब छोड़ो मत, जॉब के साथ ही कर लो, यहाँ पे वीकेंड वाला क्लास ज्वाइन कर लो। तो वीकेंड वाले क्लास में क्या होता है, मेरा फोकस नहीं बन पा रहा था, मैं बोला था 1 वीक में फर्स्ट लेक्चर इस वीक में होगा, फिर सेकंड लेक्चर मुझे नेक्स्ट वीक में करना पड़ेगा, सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, नवंबर में जॉब जो रिजाइन कर दिया, नवंबर में रिजाइन किया और फिर मैंने जैन में ज्वाइन कर लिया। नवंबर में जॉब रिजाइन किया, स्पेसिफिकली वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन का कोर्स। यस सर, यस सर। डर नहीं लगा यार, एक तो सीए इतनी देर के बाद हुआ है, उसके बाद जॉब 1 साल किया, 1.25 साल किया, उसके बाद जॉब छोड़ दिया, नथिंग इन हैंड, बट ये श्योरिटी कि यार मुझे इस वाले फील्ड में तो नहीं जाना है। सर डर मुझे नहीं लगा, मैंने आपसे जब मिला था तो देन आपने बताया कि नहीं जॉब वगैरह मिल जाए यहाँ पे, मैं कैंपस प्लेसमेंट वगैरह मेरे यहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर क्लासेज वगैरह के जो देखने पे मुझे पता लगा जॉब तो मिल ही जाएंगे मार्केट में, एज ए सीए तो जॉब में तो प्रॉब्लम होना ही नहीं है। तो फिर मैंने जॉब रिजाइन कर दी। वहाँ पे बोले भी लोग कि अभी जॉब रिजाइन क्यों कर रहे हो, जॉब ले लो देन रिजाइन करना। मैं बोला नहीं, मुझे करना, स्टडी कंटिन्यू करना दोबारा। एंड मोर देन लोग बोलना है, आपको खुद के अंदर से वो कॉलिंग इन लाइफ था कि यार चलो अब तो ये नहीं करना, एटलीस्ट ये इस चीज की क्लैरिटी है। हाँ सर, वो तो था ही कि मुझे अब बैंक में जॉब नहीं करना है, क्रेडिट मैनेजर मुझे अब नहीं करना, अब कंटिन्यू या तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना, नहीं तो फिर प्रैक्टिस में जाना। अच्छा, प्रैक्टिस वाला भी आपने ऑप्शन एक्सप्लोर किया था, मतलब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस सीए फॉर्म में था ना सर, पुराना, तो मेरे पास ये था कि मुझे पता था कि वर्क वगैरह का कुछ काम वगैरह भी थे, तो मुझे पता था नहीं वो ठीक है वहाँ पे, नहीं तो फिर प्रैक्टिस तो स्टार्ट करिए, सब कुछ नहीं। गॉट इट। तो थोड़ा बहुत जब आपने सीए कंप्लीट किया, थोड़ा बहुत सीए कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हैं, मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट? यू टोल्ड कि आपको एक तो सीएमए, जब सीए कैंपस होते हैं, मेरे टाइम पर क्या होता था कि 2 चीजों का थोड़ा सा बायसनेस होता था। पहला कि इधर यू हैव गिवन बोथ द ग्रुप्स सिंगल शॉट, दूसरा होता था वेदर यू आर ए फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, राइट। तो ये इस चीज का बायसनेस हमेशा कंपनीज के साथ होता था। तो आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था या आपको भी ऐसा, आपके टाइम में भी ऐसा था या ऐसा कुछ? सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था, बिग 4 में मेरा सिलेक्शन फर्स्ट राउंड फर्स्ट हो गया था, दिन उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम तो हुआ था। लेकिन मेरा बेनिफिट ये था कि पास्ट मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने जैसे ही फाइनल में आया तब से मैं जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो सीए फॉर्म वगैरह का कंटिन्यू वर्क एक्सपीरियंस था। देन मुझे कॉल 2-3 जगह से आ गए थे सीए फॉर्म में। आप ड्यूरिंग योर मतलब वो तो आर्टिकलशिप टाइम के तक नहीं, आर्टिकलशिप के बाद भी मैंने कंटिन्यू जॉब किया है सर वहीं पर अपने प्लेस पे। हां आपने उसे तो मतलब यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट एंड यू आर आल्सो वर्किंग अलोंगसाइड इन द सीए फॉर्म। यस। तो वो कौन सा डोमेन था आपका, किस डोमेन में आप काम कर रहे थे? सर मीडियोकर फॉर्म था, वहां पे सारे काम आते थे, बैलेंस शीट हो गया, ऑडिट हो गया, आईटीआर वगैरह एवरीथिंग। अच्छा ठीक है। तो फिर आप दिल्ली कब आए थे? दिल्ली तो मैं सीए स्टार्ट करने 2014 में ही आ गया था। जो सीए फॉर्म थी वो दिल्ली में ही थी जिसमें? या राइट सर, दिल्ली में ही थी। अच्छा ठीक है। सो यू वर स्टडीइंग आल्सो एंड यू वर आल्सो वर्किंग इन दैट सीए फॉर्म जब तक आपका सीए कंप्लीट नहीं हुआ था। यस ठीक है। तो कैंपस प्लेसमेंट में आपके पास जेनपैक का आया था, जेनपैक में क्या प्रोफाइल था आपके पास? R2R में दिया था मैंने, एफपीए मांगा था उनसे, एफपीए में उन्होंने बोला था बहुत कम सीट है तो आपको R2R में दे रहा हूँ। R2R में वो गुड़गांव में दे रहे थे। और पैकेज कितना दे रहे थे वो? पैकेज अराउंड वही था 10K राउंड था सर, 10K के आसपास दे रहे थे, 10K आउट। और आईसीआईसीआई में? आईसीआईसीआई में 11 या 12 के राउंड था, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट अदर कंपोनेंट भी ऐड कर रहे थे वो लोग जो सीटीसी का पार्ट होता है। अच्छा, तो जो 11 का सीटीसी था उसमें इन हैंड वाज कितना परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल सीटीसी? सर मैंने ऐसा काउंट नहीं किया, लेकिन उसमें सीटीसी में क्या था कि आप होम लोन लोगे तो आपको बेनिफिट इतना मिलेगा, वो ऐड बैक कर दी। कार लोन लोगे तो इंटरेस्ट, मार्केट इंटरेस्ट रेट ये है, आपको मैं इतने में दूंगा तो इसका बेनिफिट ये अमाउंट होगा, ये आपका इसमें पार्ट ऐड कर दिया। अच्छा, बट मतलब जो असल में आता था वो काफी सब्सटेंशियली कम था एज कम्पेयर, काफी कम था। ठीक है, तो जब आप आईसीआईसीआई में काम कर रहे थे एज क्रेडिट मैनेजर, व्हाट वाज योर एग्जैक्ट रोल देयर? सर वहाँ पे मेन प्रोडक्ट मेरा मॉर्गेज था। मॉर्गेज में क्या होता था कि क्लाइंट से मुझे बात करना, फाइल लॉगिन होता था, क्लाइंट से मुझे बात करनी होती थी, क्लाइंट के बारे में अंडरस्टैंड करना था, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्लाइंट का पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिपेमेंट क्या है, क्लाइंट का ऑब्लिगेशन कितना, कितने लोन उन्होंने ले रखा है, इनकम क्या है, उसका इनकम जेन्युइन है या उन्होंने फेक ऐसे दिखाया है, प्लस प्रॉपर्टी वगैरह क्या है, उसकी लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या है। फाइनेंशियल में तो बैलेंस शीट वगैरह देखना है कि उसमें रेशियो वगैरह प्रॉपर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो उसका मिटिगेंट क्या दे जो केस हो गए। गॉट इट। तो काम अच्छा नहीं लगा या लगा कि यार इसके लिए मैंने सीए नहीं किया था, क्या हुआ कि एक साल में आपने मतलब छोड़ा कि यार चलो अब छोड़ देते हैं, ये मुझे नहीं करना है? सर काम सही था, बहुत सारे सीए लोग वहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ जो कैट मेजर होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, एमबीए होते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि यार मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, मुझे कुछ और करना है, ये रोज रोज यही वर्क करो यहाँ पे। फिर एक होता है कि आपको एक दो साल वो उस डोमेन में आपने काम कर लिया, देन आप स्विच नहीं कर सकते हो। अभी मेरा क्या था, अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं था, तो मुझे लगा यार अभी चेंज करना सही टाइम है, अभी चेंज कर लो, फिर बाद में प्रॉब्लम होने वाला। गॉट इट। तो फिर यू टुक अ कॉल, रेजिग्नेशन से पहले डिस्कस किया था पेरेंट्स से किया मैं ऐसा कुछ बम फोड़ने वाला हूँ, मतलब मैं रियली बताऊँ सर, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने जब मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, देन अपने घर वाले को बताया कि मैंने जॉब चेंज किया। वो लोग भी बोले थे जॉब क्यों चेंज कर लिया, अभी तो तुम्हें बोनस मिलने वाला था, अच्छा खासा बोनस मिलता है, इसीलिए एक्चुअली में ना अप्रैल में बोनस देते हैं वो लोग, और अच्छा बोनस देते हैं वो, तो उन्होंने बोला कि बोनस मिलने वाला था, बोनस लेके तो छोड़ता, अभी क्यों छोड़ दिया। मैं बोला पैसा क्या करना, पहले तो कैरियर तो स्टार्ट करो बढ़िया। ओके, तो फिर आपने नवंबर 2023 में आपने छोड़ा? यस सर। ठीक है, एंड व्हेन डिड यू जॉइन द वॉल स्ट्रीट स्कूल? वॉल स्ट्रीट मैंने जनवरी में ज्वाइन किया। ठीक है, सो यू टुक दैट 6 वीक्स का फाइनेंशियल मॉडल। ठीक है, कहीं ना कहीं पर डर लग रहा था कि यार चलो मैं कुछ नया तो सीख रहा हूँ शायद, लेकिन पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, या था कि यार इतने बुरे तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में? सर थोड़ा सा तो जॉब छोड़ने के टाइम में भी डर लग रहा था, जब क्लासेज कर रहे थे तभी भी थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा। और एक ये था कि आपका फिक्स इनकम सैलरी आ रहा है तो ठीक है, जब सैलरी आना बंद हो जाता तो अंदर से लगता है यार क्या कर रहे हैं, पैसे फालतू में आना भी बंद हो गया, जो भी चल रहा था। लेकिन ये था कि सर जॉब तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ये तो गारंटी था कि एज ए सी हम नहीं, हमें नॉलेज भी है, सब कुछ है, तो जॉब तो मिलना फिक्स है कि जॉब मिल ही जाएगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सीए डिग्री, यार देखो मैं भी सीए हूं। The very very powerful part about the CA degree is, and very special part about CA degree is, कि कोई भी CA भूखा नहीं मरता है, मतलब इतनी पावरफुलनेस है इस CA की डिग्री। ठीक है, बट आई थिंक आपके केस में सिचुएशन वाज डिफरेंट कि आपको प्रोफाइल, यू आर वेरी श्योर कि आपको किस प्रोफाइल में जाना है। Yes, you had an audacity of leaving your job in a way supposedly a decent paying job, and then going with your heart and your conviction कि यार मुझे यही करना है। Yes. ठीक है, तो उसके बाद फिर कितना टाइम लगा आपको, मींस आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज ओवर? सर वहाँ पे मुझे आफ्टर ट्रेनिंग के बाद मुझे 1 मंथ लग गया था सर, मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गया था, मार्च एंड में कॉल आना स्टार्ट हो गया था, और मेरा बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ था। मेरा फर्स्ट कॉल ही वॉल स्ट्रीट के थ्रू आया था, और मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, और मुझे ज्वाइनिंग मैंने 8 अप्रैल से ज्वाइन भी स्टार्ट की, 8 अप्रैल 2024। विद इन 5 to 7 डेज में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। गॉट इट। और अभी कैसा लग रहा है, मतलब व्हाट इज द डोमेन दैट यू हैव गॉट इनटू? ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में बेसिकली उन्होंने अभी डाला है, तो वहां पे मर्जर एक्विजिशन के डील हो रहे हैं, मर्जर एक्विजिशन के ट्रांजैक्शन को देख रहा हूं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस वगैरह हो रहे हैं, बिग फोर कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन मिला है। प्लस वहाँ पे फंडिंग, हम लोग फंडिंग भी कराते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग हम लोग बैंक से कराते हैं, डेट सिंडिकेशन, उसमें भी उस प्रोफाइल में भी उन्होंने देखने के लिए डाला है। एक्सीलेंट। सो आर यू हैप्पी, आर यू इन अ हैप्पी स्पेस राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग? यस सर, यस। मतलब लग रहा है कि जो मैंने रिस्क लिया था इन अ वे, वो कहीं ना कहीं पर फुलफिल हुआ है, या मतलब इट्स गिवन यू व्हाट यू हैव वांटेड। Yes sir, अब ये फील हो रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं सर। ऑफिस जाने पे ये नहीं लग रहा कि हम क्यों जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब जाने पे लग रहा है हाँ कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया चीज हम कर रहे हैं वहाँ पे। हिमांशु, कम टू थिंक ऑफ इट, बिहार से उसके बाद एक सीए फर्म में काम किया, उसके बाद सीए किया, उसके बाद एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल आईसीआईसीआई में काम किया एज क्रेडिट मैनेजर। उसके बाद जॉब छोड़ा, राइट, कि ये मुझे ये नहीं करना है, राइट। तो कहीं ना कहीं पर डर नहीं लग रहा था कि यार क्या मतलब व्हाट इज हैपनिंग विद मी, और यू हैड दैट कॉन्फिडेंस कि यार यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर नॉट वांटिंग टू डू एंड आल्सो व्हाट यू आर वांटिंग टू डू। सर डर थोड़ा भी नहीं लग रहा था, सच्चाई बता रहा हूँ सर, डर इसीलिए नहीं लग रहा था, मुझे पता था, सीए ने इतना बना दिया, मजबूत किया, डर थोड़ा भी नहीं लग रहा था ना, कुछ तो कुछ हो ही जाएगा यार। आईबी में तो आपसे बात होने के बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो ही जाएगा आईबी में, मुझे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई था। आईबी प्रोफाइल में मुझे हो जाएगा, नहीं भी होगा तो फिर प्रैक्टिस तो लास्ट ऑप्शन है ही, वहां पे भी ठीक है, एक दो साल स्ट्रगल, अभी इतना स्ट्रगल किया तो 2 साल स्ट्रगल प्रैक्टिस में भी कर लेंगे कोई। बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने बिफोर वी वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन मैंने आपसे पूछा था कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे, यू सेड कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करते हैं, एंड एज वी आर टॉकिंग हमारा कन्वर्सेशन मोस्टली हिंदी में हुआ है, व्हिच सपोजिटली इज योर मदर टंग आल्सो, वही है। तो कमिंग फ्रॉम बिहार, जहाँ पे हमारा मदर टंग हिंदी है, कहीं पर लगा था कि यार बिकॉज मेरा मेन लैंग्वेज वो है, शायद इंग्लिश डिसेंट है, ठीक ठाक है, लेकिन वाव नहीं है, विल दैट बी डेटरेंट फैक्टर फॉर यू व्हेन यू वांटिंग टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और कहीं पर इंटरव्यू में ऐसा वाला फीलिंग आया था या ऐसा कुछ भी नहीं है? सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरव्यू में क्या होता है, जब जहां तक इंग्लिश यूज करना होता है वहां पे इंग्लिश हम यूज करते हैं। ये है कि हम इंग्लिश में हम कम्युनिकेट प्रॉपर वे में करें तो वो थोड़ा सा अंदर रहता है, इसलिए हिंदी में ज्यादा हम लोग, क्योंकि शुरू से हमने हिंदी यूज किया है तो इसलिए थोड़ा सा वो है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंटरव्यू कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने इंटरव्यू अटेंड किया कोई। एंड इवन इन योर नॉर्मल कंडक्ट एज यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स, जिनकी मर्जर एक्विजिशन की डील्स आप करवा रहे हैं, तो क्लाइंट इंटरेक्शन भी होता है, तो कहीं ना कहीं पर वो इनहिबिशन आता है कि यार मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, या आपको लगता है कि यार एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू कम्युनिकेट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश तो कोई फर्क नहीं है। नहीं सर ऐसा कुछ इशू नहीं, मिक्स वहाँ पे मीटिंग वगैरह में मिक्स लैंग्वेज चलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों चलते हैं, आप जो जिसमें आप सही हो कंफर्टेबल आप वो यूज कर सकते हो, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं, अदरवाइज हम इंग्लिश ही यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज मोर अबाउट द कॉन्फिडेंस इन योर कम्युनिकेशन। या राइट राइट, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। यस सर, ओके एक्सीलेंट। व्हाट इज द फ्यूचर प्लान, आगे का क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहते हैं? सर यही आईबी प्रोफाइल आप देख रहे हैं, आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज्वाइन तो कर लिया, अब यहीं पे देख रहे हैं आप कैसे ग्रो करें, कैसे आगे। तो आगे का कुछ स्टडी का प्लान है या मतलब सीए ने इतनी लगा दिया, इतना घिसा दिया है कि अब और नहीं पढ़ने का? नहीं सर, सीएफए का सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का, देखता हूँ। ऑलराइट, तो मतलब सीए प्लस ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीएफए प्लस अ प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। यस सर, एनी एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू द आवर स्टूडेंट्स, not specifically us or for the Wall Street School, but otherwise in general जो CAs हैं, जिनके multiple attempts of CA हैं, and who are struggling with the sort of right profile, जो as senior to them job देना चाहेंगे? सर मेरा तो ये सजेशन होगा कि यदि आपको कहीं जॉब में प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम, पहले तो अपने स्किल पे थोड़ा सा ध्यान दो, स्किल थोड़ा इम्प्रूव करो। स्किल में जैसे कि कोई ट्रेनिंग ले लो, कोई क्लासेज वगैरह लेके वहाँ पे स्किल लेके फिर देन आप आराम से जॉब ले सकते हो। मार्केट में जॉब की इशू नहीं है, जॉब बहुत है मार्केट में। अब अपने आप पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो तो फिर जॉब मिल जाएगी, जॉब में कोई इशू नहीं। तो ये जो बात करते हैं कि यार इतना रिसेशन चल रहा है, बाहर वॉर्स इतनी ज्यादा हो रही हैं, बिग फोर्स हायर नहीं कर रहे हैं, तो इज दैट एक्चुअली द स्टेट ऑफ अफेयर्स या ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं है सर, मार्केट में लोग मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं? अच्छे लोग मिल नहीं रहे हैं मतलब बेसिकली जिनके पास स्किल्स हैं उनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं, राइट राइट। Anything you like to ask हिमांशु, जो आप डिस्कस करना चाहेंगे या कुछ? No sir, thank you. अच्छा, and how about your parents now? Now they know कि तुम क्या काम कर रहे हैं? हाँ सर, अब उन्हें पता चल गया, मैंने बता दिया, तो वो भी हैप्पी हैं कि ठीक है तुम अब तुम जो चाह रहे थे वो तुम स्टार्ट कर दिए कैरियर, वहाँ पे सही है। पर उनका क्या बैकग्राउंड है, मतलब उनको थोड़ा भी आइडिया है कि मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है या तुम क्या क्या करते हो? मतलब पेरेंट्स को नहीं पता है लेकिन ब्रदर को पता है, उन्हें पता है, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा किया तुमने स्विच कर लिया, और जल्दी कर लिया भी, और अच्छा कि नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होता है तुम्हें स्विच करने में। एंड डू दे रियलाइज द इनॉर्मिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? यस सर, हैप्पी विद द फैक्ट कि तुम इतना कुछ अच्छा कर रहे हो और दे आर हैप्पी कि तुम खुश हो? सर वो दोनों चीज में खुश है कि उन्हें को ये लगा कि प्रोफाइल तुम्हारे अच्छे हैं, दूसरा जी मैं भी खुश हूँ, तो ये दोनों चीज उन्हें सही है। Excellent. And to those students जो CA कर रहे हैं who are struggling, you know, देखो हम भी काफी सारी प्लेसमेंट्स कराते हैं काफी सारी कंपनीज की, और हमने एक चीज रियलाइज किया कि अब काफी सारी कंपनीज हैं वो इस चीज को पहले होता था कि जो CA फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी का प्रेफरेंस होता था काफी सारी कंपनीज में, लेकिन अब काफी सारी कंपनीज ये प्रेफर करती है जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, क्योंकि वो फीलिंग आता है कि यार अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ सीए हैं तो द लेवल ऑफ रेजिलियंस एंड द हार्ड वर्क एंड पेशेंस व्हिच दैट पर्सन वुड हैव माइट बी मच मोर देन समबडी हु हैज यू नो कंप्लीटेड दैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि वो शायद उस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएगा कि कितना मेहनत लगती है और कितना पेशेंस चाहिए होता है उसके लिए। वो कहीं ना कहीं पर आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है उस केस में। राइट राइट सर, बहुत अच्छा हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। और अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे टू दोज सीए स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू सीए एग्जाम्स, व्हाट वुड यू वांट टू से? सीए एग्जाम से रिलेटेड यही है कि आप स्टडी के टाइम में स्टडी पे ही फोकस करो, अदर वर्क में मेरी तरह जो मैंने मिस्टेक किया था, मेरा क्या जॉब भी चल रही है, हाँ जॉब के साथ साथ स्टडी भी, दोनों में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करो, एक बार सीए निकल जाएगा देन लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा। Why would you say that? कि अगर सीए कर रहे हो तो और कुछ डिस्ट्रैक्शंस ना लेकर आओ। डिस्ट्रैक्शन सर ये हुआ था कि पेपर के समय में भी 1 मंथ का लीव मिलता था, ऑफिस से कॉल आ गया कि फिर आ जाओ आज ये काम है, फिर बीच में भी जाना पड़ता था वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इशू है। इसलिए मुझे लगा कि इनके मेरा अटेम्प्ट खराब हुआ, वहाँ पे अटेम्प्ट कराने में थोड़ा सा टाइम लैप्स होता है, ये सर प्रॉब्लम होती है बाद में। तो कई बार जब आपने फेलियर्स देखे कि फेल, लगता नहीं था कि यार कोई मैं प्लान बी कर लूं, यार बहुत हो गया। डिमोटिवेशन तो आ ही जाता सर, प्लान बी तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, कभी नहीं आया सर, सीए तो करना ही है। जब तक आपको एक बार नॉलेज है साइन क्या वैल्यू है सर, यहाँ पे सीए में अपने सीए में आपके पास नॉलेज है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं किए तो प्रैक्टिस में भी जाओगे तो क्या करोगे? आप क्लाइंट के लिए साइन तो करोगे नहीं, क्लाइंट आएगा क्यों आपके पास? करेक्ट। तो इसलिए इतनी पावरफुल है ये डिग्री, इतनी आसानी से नहीं मिलती है, खासकर मतलब वो लोग शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाते हैं, लेकिन जो जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं उनको दे वैल्यू द इनॉर्मिटी ऑफ द डिग्री दैट यू एंड आई हैव। बहुत अच्छा हिमांशु, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इट हैज बीन अ लॉट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर अस आल्सो दैट वी हैव बीन एबल टू हेल्प यू विद द सॉर्ट ऑफ प्लेसमेंट्स दैट यू हैड कम टू द वॉल स्ट्रीट फॉर। And I sincerely hope that हमारे और भी प्लेसमेंट्स होते हैं, वो नॉर्मल रिकोर्स में होते हैं, लेकिन कुछ प्लेसमेंट्स होते हैं जहां पर लगता है कि जो टेढ़ा केस है पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आप अपने ऊपर उतनी मेहनत करें जितनी हम आपके ऊपर करेंगे तो मैजिक होता है। राइट। तो ग्रेट हिमांशु, ग्रेट टू कनेक्ट एंड थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैं आपसे लास्ट वीक से फॉलोअप कर रहा था बट कि आपसे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इटसेल्फ इज अ गुड थिंग कि हाउ बिजी यू आर इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, सो रियली रियली हैप्पी, रियली रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन। थैंक यू सर, एंड यू मस्ट बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल, नॉट ओनली इन बिहार बट अक्रॉस इंडिया, हु आर सो डिटरमाइंड टू प्रूव देमसेल्व्स, हैविंग द कॉन्फिडेंस कि यार अगर जो करना है वो करके रहेंगे जितना मुझे टाइम था। Yes. Okay, बहुत अच्छा, very nice. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Okay, sir.